वेलकम बैक बच्चों, मैं मुकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस सेशन की थर्ड पोएम में, जिसका नाम है डांस ऑफ द यूनिक्स। और ये पोएम जो है वो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ रिटन बाय कमला दास। कमला दास जो है उनका जो पेन नेम है वो है माधवी कुट्टी। ओके, और इन्होंने अराउंड 1999 या 1998 के आसपास इन्होंने इस्लाम धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया था। तो इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद फिर इनका जो नेम हो गया वो चेंज होकर कमला सुरैया हो गया था। कमला सुरैया आप याद रखना। तो 1999 में इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और उसके बाद इनका जो नाम हो गया था वो हो गया था कमला सुरैया। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। और ये जो पोइम है आपकी डांस ऑफ द यूनिक्स, ये समर इन कैलकटा से कलेक्शन से ली गई है। और समर इन कैलकटा कलेक्शन जो है वो 1965 में आया था। आप याद रखिएगा ये बात भी। ये कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं कमला दास के बारे में। कमला दास जो है उनको कन्फेशनल पोइट भी कहा गया है। और कन्फेशनल पोइट वो होता है जो अपनी पोइट्री में जो अपने दिल की बातें हैं, चाहे वो कितनी भी अनऑर्थोडॉक्स हो, चाहे वो कितनी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली हो, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें हैं उनको शेयर करते हैं। जैसे सिल्विया प्लेथ थी, इस तरह के कुछ पोइट्स जो हैं इनको हम कन्फेशनल पोइट्स बोलते हैं। और सिल्विया प्लेथ से मुझे याद आया कि कमला दास जो है उनको इंडिया की सिल्विया प्लेथ भी कहा जाता है। और ये बहुत पॉपुलर हुई थी अपनी ऑटोबायोग्राफी के कारण। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई स्टोरी। थोड़ी सी ये कुछ बातें आपको याद रखनी है बेसिक। इसके बाद हम जो है पोइम को पढ़ना शुरू करेंगे, उस पोइम को जिसका नाम है डांस ऑफ द यूनिक्स। और यूनिक्स आप जानते हैं, समवन हु इज़ नाइदर मेल नोर फीमेल, जिसको हम हिजरा बोल सकते हैं, है ना। हिजरा बोलना इसे किन्नर, किन्नर वर्ड जो है वो थोड़ा सा सही वर्ड है। उनका डांस जो है उसको लेकर कमला दास ने ये पोएम लिखी है। और हम जल्दी देखने वाले हैं कि क्या कमला दास की कंसर्न उनका डांस था या कुछ और कमला दास जो है वो हमें इस पोएम के थ्रू बताना चाह रही हैं। चलिए शुरू करते हैं पोएम डांस ऑफ द यूनिक्स। सो हियर वी गो, डांस ऑफ द यूनिक्स बाय कमला दास, विच इज़ रिटन और विच इज़ टेकन फ्रॉम द कलेक्शन समर इन कैलकटा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इट वॉज़ हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनिक्स केम। तो जब किसी घर में कोई फंक्शन या कोई बच्चा या कुछ इस तरह की खुशी होती है तो यूनिक्स आते हैं। सो इट वॉज़ वेरी हॉट, जो मौसम है उसके बारे में पोइट बता रही है हमें कि बहुत गर्मी थी। यू नो बिफोर यूनिक्स केम टू डांस, वाई दे केम टू डांस, वाइट स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। और जो उन्होंने स्कर्ट्स यानी कि घाघरा पहन रखा था, है ना, दे बिकॉज दे वर डांसिंग एंड उस डांस के कारण उनका जो स्कर्ट है वो गोल गोल जो है वो घूम रहा था। सिंबल्स, सिंबल्स जो हैं इस तरह का एक राउंड प्लेटेड टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है इससे छोटे, है ना। तो एक तरह से झुनझुना या छनछना बोल सकते हैं उसको आप, ये बजाया जाता है गानों के साथ। तो सिंबल्स जो जो थे उनकी जो क्लैशिंग की आवाज़ थी बहुत ही रिच, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक क्रिएट कर रही थी। तो ये क्लैशिंग, जिंगलिंग, जिंगलिंग, है ना, जिंगलिंग, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो ओनोमेटोपिया के एग्ज़ाम्पल होंगे बच्चों, है ना। तो ओनोमेटोपिया जहाँ पर हमें साउंड जो हैं वो मीनिंग सजेस्ट करती हैं, है ना, ना कि उनका कोई जैसे हिसिंग, है ना, जैसे कि जिंगलिंग, क्लैशिंग, थम्ब, है ना। जब साउंड से हमें पता लग जाए कि क्या मीनिंग होगा। उनके जो सिंबल्स थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे जब वो क्लैश कर रहे थे। और उनकी जो पाइजे भी थी, एंकलेट थी,
वो भी क्या है, छन छन कर रही थी बिकॉज दे वर डांसिंग बीनीथ द फायरी गुलमोहर. फायरी गुलमोहर जो है ना, गुलमोहर का ट्री जो है यहाँ पर, फायरी का एक मीनिंग तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसका कलर जो है वो कैसा होता है, रेड होता है ना, हॉट रेड. और दूसरा जो फायरी गुलमोहर बोलने का कारण हो सकता है बिकॉज यू नो द टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, बहुत गर्मी थी ना, तो उस हॉट टेम्परेचर के अंदर, उस हाई टेम्परेचर के अंदर वो उस गुलमोहर के नीचे जो कि इस तरह से रेड था कलर में, उसके नीचे वो ये सब प्रोसेस चल रही थी, डांस चल रहा था. लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, उनकी जो लंबी लंबी चोटियाँ थी, देवर फ्लाइंग. डार्क डार्क आइज फ्लैशिंग, उनकी जो डार्क गहरी काली आँखें थी वो फ्लैशिंग, एक चमक से भरी हुई थी. दे डांस्ड, और वो डांस कर रहे थे. एंड दे डांस ओ दे डांस टिल दे ब्लेड, और वो डांस करते रहे. कब तक डांस करते रहे वो, जब तक कि उनके ब्लड मतलब खून नहीं आने लग गया, उनके पैरों से खून निकलने नहीं लग गया. दे वर ग्रीन, व्हाट वाज ग्रीन, सो ग्रीन क्या था, टैटू. दे वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स. सो हम अब गांव में शहरों में देखा होगा आपने, हम टैटू बनवाते हैं तो ग्रीन कलर के टैटू जो हैं उनके गालों पे बने हुए थे. और जैस्मिन जो है उनके बालों में, जैस्मिन फ्लावर्स जो है उनके बालों में लगा हुआ था. सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर. ये अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एंटीथीसिस है, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंटीथीसिस नहीं है. पैरेलल स्ट्रक्चर है, सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर. कुछ का रंग जो है वो थोड़ा सा मतलब डार्क था, गेहुआ से भी थोड़ा डार्क, काला काला वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता. सो कुछ का रंग काला था एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, और कुछ तो लगभग गोरे ही थे, है ना. मतलब ये उनके अंदर जो है किस किस तरह के जनक से, कुछ गोरे थे कुछ काले थे. देयर वॉइसेस वर हार्श, देयर सॉन्ग मेलंकली. एंड उनकी जो वॉइस थी, बिकॉज दे आर नॉट यू नो फीमेल्स और वेमेन, तो उनकी आवाज़ जो है वो मेल्स की आवाज़ से रिसेंबल करती है, इसलिए देयर वॉइसेस वर हार्श, देयर सॉन्ग्स मेलंकली, और उनके सॉन्ग जो हैं दे वर सैड. ओके, एंड नाउ कमला दास इज गिविंग अस सम एग्जांपल्स ऑफ द सॉन्ग्स और द काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स दे वर सिंगिंग. लाइक दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग, दो प्रेमी जो हैं किस तरह से वो मिल नहीं पाते और वो मर जाते हैं, है ना, जैसे हमने फिल्मों में देखा होगा, हिंदी फिल्मों में. एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न, चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न मीन्स चिल्ड्रन हु वर अबॉर्टेड बिफोर देयर बर्थ, उनके बारे में. सम बीट देयर ड्रम्स, अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट, कुछ जो है ढोलकी बजा रहे थे एंड कुछ जो है दूसरे जो है सॉरी ब्रेस्ट. टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिसोड का एग्जांपल हो सकता है, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट, बिकॉज देयर ब्रेस्ट वर नॉट सॉरी, उनकी ब्रेस्ट जो है वो सॉरी नहीं हो सकती है. सॉरी कौन थे, वो खुद थे, है ना, वो खुद दुखी थे तो उनको अपनी ब्रेस्ट को बीट कर रहे थे. बट एक और मीनिंग यहाँ पर हम सॉरी ब्रेस्ट का निकाल सकते हैं कि सी दे आर नाइदर मेल्स नॉर फीमेल्स, तो उनकी जो ब्रेस्ट हैं वो फीमेल्स की तरह भी नहीं है और ना ही वो मेल्स की तरह हैं, है ना. तो वाई आर दे सॉरी, बिकॉज दीज ब्रेस्ट कैन नेवर फीड अ चाइल्ड, दैट इज़ वाई दे आर सॉरी ब्रेस्ट. सो दे आर बीटिंग देयर सॉरी ब्रेस्ट एंड सम ऑफ देम आर बीटिंग देयर ड्रम्स, कुछ लोग ढोलकी बजा रहे हैं. एंड वेल्ड, और वो विलाप करते रहे. एंड राइथ इन वैकेंट एक्सटेसी, वैकेंट एक्सटेसी ऑक्सीमोरॉन. वाई, क्योंकि एक्सटेसी जो है यू नो इट इज़ यू नो द आउट बर्स्ट ऑफ यू नो इमोशंस और द सिचुएशन ऑफ यू नो अटमोस्ट प्लेजर, जहाँ पे कुछ सब कुछ फिल्ड हो. बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैकेंट एक्सटेसी, जहाँ पे कुछ नहीं हो, है ना. तो वेकेंट जो है और एक्सटेसी जो है दोनों आपस में अपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड हैं. तो
ये कैसे सही होगा यहाँ पर, कैसे इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनकी एक्सटेसी जो है वो वेकेंट थी? क्यों? क्योंकि दे हैव टू शो द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस और दे हैव टू शो दैट वट एवर दे डूइंग आर दे आर हैप्पी इन दैट, जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें वो खुश हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ्स. इट इज़ नॉट माई ओपिनियन, इट इज़ द ओपिनियन प्रेजेंटेड इन द पोएम, बिकॉज वी आर नॉट समवन, और हम वो लोग नहीं हैं जो किसी पे कमेंट करें कि कोई हैप्पी है नहीं. अदरवाइज इस पोएम के अकॉर्डिंग उनकी एक्सटेसी भी कैसी थी? बिल्कुल वेकेंट थी. दे वर थिन इन लिम्स, और उनके जो शरीर के अंग हैं वो क्या थे? बिल्कुल थिन, पतले एंड ड्राई, और ऐसा लगता था सूखे हुए हैं, लाइक हाफ बर्नड लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स. सिमली है ये, बिकॉज देयर लिम्स आर कंपेयर्ड विद हाफ बर्नड लॉग्स, आधे जले हुए लकड़ी के लट्ठे फ्यूनरल पायर्स, चिता में से. चिता में जब लकड़ी के लट्ठे आधे जल जाते हैं तो किस तरह से वो पतले से हो जाते हैं, सूखे से हो जाते हैं, उससे कंपेयर किया गया है. अ ड्राउट एंड अ रोटननेस, और एक सूखापन और एक सड़ांध जो है उनके अंदर, उनके जीवन में ऐसा लग रहा था कि है, मतलब कहीं ना कहीं दे आर लैकिंग इन द थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. सूखापन है उनके अंदर एक, और उस सूखेपन के अंदर रहते रहते, अकेले रहते रहते, सोसाइटी से दूर रहते रहते, उनके अंदर एक रोटननेस भी फील हो रही थी कमला दास को. कमला दास ऐसा महसूस कर रही है, ऐसा लिख रही है. सो रोटननेस जो है वो क्या थी? वर इन ईच ऑफ देम, प्रत्येक के अंदर, हर एक के अंदर दिखाई दे रही थी. इन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज. नाउ क्रोज जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एक्सेसिव साउंड को, अननेसेसरी साउंड को. तो वो भी क्या थे? बिल्कुल पेड़ों पर शांत बैठे हुए थे, है ना. बिकॉज इट सीम्ड एज इफ दे वर ऑल्सो वॉचिंग द यूनिक्स डांसिंग एंड चिल्ड्रन वाइड आइड, और बच्चे फटी आंखों से देख रहे थे, स्टिल बिल्कुल शांत. ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स कन्वल्शंस. कन्वल्शन वैसे तो एक साइंटिफिक मेडिकल टर्म है, जिसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि जब अपने शरीर के अंग जो हैं वो ट्विच करते हैं, जब इनवॉलेंट्रली ना चाहते हुए भी हमारे शरीर के अंगों में कुछ मूवमेंट हो जाए, उंगलियों में कहीं पे, उसे कन्वल्शन बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हो कि उन यनक्स के डांस को भी कमला दास ने क्या वर्ड यूज़ किया उसके लिए? कन्वल्शन यूज़ किया है, कि सब जो है उन बेचारे जो हैं उनके मूवमेंट्स को देख रहे थे. द स्काई क्रैकल्ड, थंडर केम एंड लाइटनिंग एंड रेन. क्रैकल्ड अगेन, क्रैकल्ड वर्ड अगेन ऑनोमेटोपिया को शो करता है. थंडर केम एंड लाइटनिंग, और फिर क्या हुआ? तूफान गरजने लगा, और क्या हो गया? लाइटनिंग, बिजली चमकने लगी. एंड रेन, और बरसात होने लगी. अ मीगर रेन, बहुत थोड़ी सी रेन. द स्मेल्ट ऑफ डस्ट इन एटिक्स. एटिक जो हम अपने घर में, आपने देखा होगा दीवारों के, छत के पास ऊपर जो है एक तरह से मिनी स्टोर बनाया होता है हमने, है ना, जहाँ पे कुछ सामान जो एक्स्ट्रा हमारे घर में पड़ा होता है उसे रखते हैं हम, है ना. तो उससे एटिक्स में से क्या आने लगी? जब थोड़ी बरसात होती है तो मिट्टी की खुशबू आने लगती है. हालांकि यहाँ पर कमला दास जो है वो खुशबू वर्ड यूज़ नहीं करने वाली है, एज यू आर गोना सी दैट. एंड यूरिन ऑफ लेजर्ट्स, और छिपकलियों का जो यूरिन है उसकी स्मेल आने लगी. एंड माइस, और साथ में चूहों की भी, चूहों के यूरिन की भी स्मेल आने लगी. सो यू कैन सी हाउ दिस पोएम एंड्स, है ना. दिस पोएम एंड्स विद द स्मेल ऑफ द यूरिन ऑफ लेजर्ट्स एंड माइस. तो ये जो एंड है इस पोएम का, ये अपने आप में आपको काफ़ी इंडिकेटिव होगा इस बात का कि कमला दास जो है वो यनक्स की, किन्नरों की कंडीशन के बारे में क्या सोचती है, है ना, कि इट इज़ यू नो व्हाट दे आर, इट इज़ व्हाट देयर लाइफ इज़. सो ये आपकी पोएम है बच्चों, जिसका नाम है डांस ऑफ द यनक्स. और इस पोएम में जो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा कुछ एक अलिट्रेशंस हैं बच्चों. और मेरे हिसाब से इस लेवल पे आके मैं आपको एक एक अलिट्रेशन बताऊं तो वो उचित नहीं होगा, बिकॉज आप अगर ये पोएम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो इतना तो अलिट्रेशन तो आप पहचान ही सकते हैं ना. सो बाकी मैंने आपको कुछ एक फिगर्स ऑफ स्पीच बताए हैं और कुछ फैक्ट्स बताए हैं आपको, इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे. और एक और डिक्लेरेशन मुझे करनी है, मुझे पहले करनी चाहिए थी बिकॉज लास्ट तक कोई पहुँचता नहीं है. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
इस चैनल को सब्सक्राइब करने के फ़ायदे आपको क्या होने वाले हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।